आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। पी और क्यू समान बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। पी 18 किलोमीटर उत्तर में साइकिल चलाती है, फिर अपने दाई ओर मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाती है। क्यू 9 किलोमीटर पूर्व में साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर साइकिल उत्तर में चलाता है, फिर बाई ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब क्यू पी के स्थान के संदर्भ में कहाँ है? हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है 8 किलोमीटर दक्षिण, सेकंड है 8 किलोमीटर उत्तर, थर्ड है 28 किलोमीटर दक्षिण, फोर्थ है 28 किलोमीटर उत्तर। तो हम अगर दिशा की बात करें, इधर है उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। यह है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो सबसे पहले यहाँ से यात्रा शुरू करता है, तो पी 18 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 18 किलोमीटर, फिर यह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर क्यू अपनी यात्रा शुरू करता है और 9 किलोमीटर, फिर यह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, 10 किलोमीटर, फिर यह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि पी के संदर्भ में क्यू किधर है, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। पी के संदर्भ में क्यू किस दिशा में है? पी 3 किलोमीटर इधर चला और क्यू पहले 9 किलोमीटर इधर चला और वापस 6 किलोमीटर इधर आ गया, तो ये गैप बराबर हो गया। पी के संदर्भ में क्यू है दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, और ये गैप है 18 - 10 = 8 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो गया 8 किलोमीटर दक्षिण, 8 किलोमीटर दक्षिण में है क्यू पी के संदर्भ में। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।